मेरा जन्म क्यों हुआ? तो मेरा जन्म क्यों हुआ जानना है तो पहला तो जानना चाहिए कि राशि क्या है, अच्छा, लग्न क्या है और राशि कहाँ गया है। हाँ, ये अगर आप नहीं जानते हो कि मेरा लग्नेश लग्न से कितना दूर गया, तो मैं कहाँ तक पहुँचा, मैं कहाँ तक पहुँचा और मेरा जर्नी कहाँ है। अगर आपका वृष लग्न हो गया, वृषभ लग्न हो गया, तो पहला ये समझना चाहिए कि आप जीवन में दूसरे के लिए मेहनत करने के लिए जन्म हुए हो। बैल मेहनत करता है, खुद खाता है पुआर घास, दूसरे को देता है चावल धान गेहूं अनाज। वृषभ लग्न, वृषभ राशि का जो भी जातक होगा बैल जैसे मेहनती होगा और बहुत बहुत भद्र होगा, इज अ वेरी ऑस्पिशियस। ऐसा ऐसा आदमी का जिंदगी डेडिकेटेड, डेडिकेशन फॉर द नेशन एंड फॉर द फैमिली। वो अपने लिए कम सोचेगा, बाकियों के लिए ज्यादा सोचेगा। खुद नहीं खाएगा, दूसरे को खिला देगा। ठीक है, हाँ, नहीं, बैल के बारे में कोई नहीं सोचते हैं, वृषभ के बारे में ना कोई नहीं सोचता है, वो अपना काम करता रहता है, काम करता रहता है। ठीक है, नहीं, बकवास जिंदगी नहीं है। बैल को सबको ही प्यार करता है। आप एक्चुअली बैल देखे नहीं हो, वृषभ को देखे नहीं हो, इसीलिए वृषभ, हाँ, ही सो डेंजरियस एंड वेरी लवली, महादेव का प्यारा। हाँ, महादेव का प्यारा, बहुत बल्की बॉडी लेकिन बहुत लवेबल। बैल जितना प्यार कर सकता है कोई और प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, और वो हमेशा दूसरे का भला के लिए ही काम करेगा। ओके, बैल इज ए पोस्ट पियन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड भक्ता। जब आप मंदिर में जाते हो, यू टच दैट बैल एंड यू से समथिंग इन हिज आई ईयर, कान में कुछ बोलते हो, तो वो शिव बाबा को बोल देता है कि ये आया है, इसको ऐसा ऐसा कर दो। ठीक है ना, और जो भी वृषभ राशि वाले हैं ना, उनके कान में कुछ भी बोल दोगे तो आपके जीवन में जो ऑस्पिशियस वृषभ राशि होगा, वृषभ राशि में, हाँ, उसका कान में कुछ भी बोल दिए हो जाएगा, हो जाएगा। अगर शिव शिव भक्त है, हाँ,